पुल दिखा रहा है, तो आप इसको बाइक को न्यूट्रल कर लीजिए। स्टार्ट करने के साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये फेंस हो जाएगा। गाइस जो मैंने वीडियो बनाया था मेरा बाइक का जो रेडिएटर फैन का प्रॉब्लम, तो कई बंदे ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि जो वो समझ में नहीं आया उनको, तो ये पार्ट टू होने वाला है। तो ये पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे ठीक किया जाता है उसे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो, उससे पहले बेल आइकन दबा दो ताकि ये सब वीडियो आता रहे मेरा। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे ठीक किया जाता है उसे। चलिए आपको दिखा देता हूँ वो कैसे ठीक किया जाता है। तो मैंने तो मेरे फ्यूज़ बॉक्स जो है, पहले तो ये इसका जो फैन वर्क नहीं कर रहा है अगर, तो सबसे पहले आप अपना फ्यूज़ बॉक्स चेक करें। तो फ्यूज़ बॉक्स चेक करने के लिए आपको यहाँ से ये खोलना है। चाबी लेके ये वाला सीट खोल लीजिए आप। तो ये खोलने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा फ्यूज़ बॉक्स, ठीक है ना। तो ये फ्यूज़ बॉक्स देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी सारा फ्यूज़ है। तो आप ये वाला फ्यूज़, एक नंबर वाला फ्यूज़ फोकस कर लेता हूँ, रुकिए। तो ये सारा फ्यूज़, जितना भी फ्यूज़ है यहाँ पर, सब एक पर चेक कर लीजिए। कोई फ्यूज़ अगर उड़ गया है तो वो चेंज कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूज़ रखा हुआ है, जो ये वाला फ्यूज़ है अब यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाला फ्यूज़ है। ये 9 फ्यूज़ को आप चेक कर लीजिए, खोल के एक एक खोल के चेक कर लीजिए सबको। अगर कोई फ्यूज़ उड़ा हुआ है तो चेंज कर दीजिए। तो इसके बाद इसको अच्छे से लगा दीजिए यहाँ पर, जब पानी ना जाए अंदर। तो ये चेक करने के बाद तो आपको फ़ैन ठीक है कि नहीं वो चेक करने के लिए पहले लगा देता हूँ। जैसे चाबी निकाल के आप एक बार इसको देख सकते हैं। तो ये ऑन कर लीजिए। तो ये ऑन करने के बाद आपको यहाँ स्विच दबा दीजिए। तो उसके बाद आपको फ़ैन चेक करना है, तो फ़ैन आपका ठीक है कि नहीं, तो उसके लिए आपको ये वाला सेंसर खोलना होगा। फोकस कर दिया मैंने। तो ये वाला फ्यूज़ और ये वाला केपलर जब खोल दीजिए इसको। ओके, देखिए मैंने ये वाला खोल दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला मैंने खोल दिया सेंसर। तो अब आप इसके यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है अभी। तो अभी देखिए यहाँ पर मीटर में, यहाँ पर ये फुल दिखा रहा है। तो आप इसको बाइक को न्यूट्रल कर लीजिए। न्यूट्रल हो गया बाइक, तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करने के साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये फैन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये फैन ऑन हो जाता है तो समझ लीजिए कि आपका यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फैन स्टार्ट हो गया, तो बिल्कुल ये ठीक है, मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद जाकर ये वाला केपलर फिर से लगा दीजिए। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये वाला ठीक है कि नहीं। उसके बाद ये वाला केपलर जैसे खोला था आपने ऐसे लगा दीजिए ध्यान से। ये लगाने के बाद एक बार स्टार्ट कीजिए बाइक को। अभी आपका फैन स्टार्ट नहीं होगा। तो उसके बाद दूसरा प्रोसेस जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर फ़ैन का जो वायर निकला हुआ है, देखिए यहाँ पर दिखाई देगा आपको ये वाला वायर। आप फोकस करके दिखा देता हूँ, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूज वो वायर खोल के एक बार क्लीन करके वो लगा के देखिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपका ये फ़ैन खोलना होगा। ये वाला फ़ैन खोल के आप दुकान पर रिपेयर कर सकते हैं ये। और मैंने मेरे बाइक का एग्जॉस्ट भी खोल दिया है, ये एग्जॉस्ट भी खोल दिया, इसका साउंड भी काफ़ी ज़बरदस्त है। आप साउंड भी आपको सुना देता हूँ एक बार, साउंड भी काफ़ी ज़बरदस्त निकल रहा है। तो ये मैंने बता दिया आपको। अगर सो फैन का कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप इसे जो मैंने स्टेप बताया वो चेक कीजिए एक बार अच्छे से, उसके बाद हो ठीक हो जा सकता है वो। अगर ठीक नहीं होता है तब वो ये वाला फ़ैन का वायरिंग चेक कीजिए, उससे भी आपका बात बन जाएगा। और बाइक का साउंड कैसा लग रहा है वो कमेंट में बताना। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब दबा के करो ताकि ऐसा वीडियो आता रहे मेरा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, सपोर्ट नहीं मिलता है मुझे, तो वैसे वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसा वीडियो लाता रहूं। और कमेंट में बताना इस बाइक का लुक्स कैसा लग रहा है आपको। इसमें मैंने टेल टाइडी भी लगाया हुआ है और इसका साइलेंसर भी खोल दिया मैंने। इससे मेरा साइलेंसर खोलने से ज़्यादा दिन नहीं खोल करके नहीं चलाना है, एक हफ्ते चला के उसके बाद लगा दीजिए अपने आप, क्योंकि साइलेंसर खोल के चलाने से आपका इंजन में कुछ प्रॉब्लम आएगा आ सकता है। तो इसमें साइलेंसर खोल के बिल्कुल ना चलाए ज़्यादा दिन, लगाने चलाने से 2-3 दिन चलाइए कोई बात नहीं है,
ज़्यादा दिन मतलब साइलेंसर खोल के मत चलाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के करो। थैंक यू।